नमस्कार, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। मैं आलोक शुक्ला, आज यूपीएएसआई का आपका बहुत ही अच्छे रणनीति लेके आपके सामने आया हूँ, जिसकी डिमांड बहुत सारे बच्चों ने की थी। तो आज हम लोग यूपीएएसआई की चर्चा करेंगे, जिसका फॉर्म 1 जून 2021 से फिल करना शुरू हो गया है। लगभग आपको 45 दिन समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता बनी हुई है वो बच्चों के बीच ये बनी हुई है, आखिर इसकी तैयारी कैसे करें और कहां से करें, क्या पढ़ें। सबसे ज्यादा परेशानी जो बच्चों को दे रही है, कंप्यूटर कहां से पढ़ें, और उससे भी ज्यादा दिक्कत जो आ रही है, मानसिक अभिरुचि की किताब कहां से मिलेगी और उसके नोट्स कहां से मिलेंगे, कैसे पढ़ें। तो इन तमाम सारी चीजें जो आपके दिमाग में उपापो की स्थिति बना के रखी है, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो हल है, एक बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूं। और अगर हम देखें तो इससे पिछले जितनी भी रणनीति मेरे द्वारा साझा की गई, आपने बहुत ही ज्यादा पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये आपका अटूट विश्वास है जो मुझे इतना मेहनत करने पे मजबूर करता है कि आप लोगों की तरफ से हर डायमेंशंस को फिल्टर करके, हर तरफ से एनालिसिस करके एक ऐसी चीज लेके आया जाए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। तो बहुत ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग पहले तुरंत बात करेंगे एएसआई, यानी जो आपकी मिनिस्टीरियल वैकेंसी है, जिसमें आपके गोपनीय, लिपिक, लेखा और सतर्कता, जिसे विजिलेंस कहते हैं, ये सारे कुल आपके 5 पद हैं इस वैकेंसी में, और आपके 1329 टोटल पद हैं, 1277 आपके इधर के, बाकी आपका सतर्कता का टोटल 52 पद। तो 1329 पद आपके टोटल इसमें है, जिसका फॉर्म फिल करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। दूसरी बात, ये फॉर्म फिल करने में बहुत सारे बच्चों को समस्या आ रही है, तो उसके लिए आशीष सर ने वीडियो बनाई है। चैनल पे ही जाके आप यूपीएएसआई का एफएक्यू का प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। हम चर्चा करेंगे अभी आज इसके रणनीति के बारे में। तो सारी यहां पे जैसे आपने देख लिया होगा टेम्पलेट में, आज हम किस किस बातों के जिक्र करने वाले हैं, कंप्यूटर कैसे पढ़े, सेफ स्कोर क्या रहेगा, बेस्ट सीरीज क्या है, किताबें क्या होगी, एजेंसी कौन सी है, और एजेंसी का मुद्दा जो बहुत जरूरी है क्योंकि एजेंसी से पता चलेगा पेपर कैसे आने वाला है, और मानसिक अभिरुचि। तो देखते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, और टोटल जब भी हम किसी चीज की रणनीति की बात करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जो भविष्य में चल के हमारे लिए फायदेमंद हो सके, तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि आखिर उसका सिलेबस क्या है, आखिर उसकी विषय वस्तु क्या है, कहां से उसके प्रश्न बनेंगे। और जब आप बात कर रहे होते हो यूपीएएसआई की, और वो भी एएसआई में हम उस एजेंसी की बात कर रहे होते हैं जो अभी इससे पहले भी पेपर कराई थी, है ना, बीच में टीसीएस आई थी लेकिन टीसीएस को फिर से नहीं मिला, कारण उसके बहुत से, टीसीएस महंगी या जो भी, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। एजेंसी क्यों नहीं टीसीएस है, एनएससी आईटी क्यों है, और ये वही वैकेंसी है जो 2016 में यूपीएसआई की वैकेंसी कराई थी, पेपर कैंसिल हुआ था, पेपर आउट हुआ था, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल सस्ती वैकेंसी एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, ये एक आपकी जो एजुकेशन लाइन में डीईएक्स के नाम से जो पेपर कराती है वो आईटी एजेंसी इसकी है, वो आपका कौन कराएगी, यूपीएएसआई कराएगी। और मैं बार बार इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इसके द्वारा पेपर कराए जाने का प्रावधान देखेंगे, या आप ये देखेंगे कि इसका तरीका क्या है, तो मैं आपको बता दूं फिर आपका जो एक शब्द आता है सिलेबस, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर यही परीक्षा आपकी टीसीएस करा रही होती तो शायद मैं सिलेबस पे जिक्र ना करता, लेकिन क्योंकि आपकी ये परीक्षा एनएससीआईटी करा रही है तो सिलेबस पे जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरूरी है, तो हम इस चीज को देख लेते हैं कि आपके ये चार भागों में सबसे पहली बात, कुछ आप लोगों के दिमाग में समस्याएं होती है, मैं बता दूं चार भागों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, और उस चार भाग में सबसे पहले जो भाग है वो आपका हिंदी है, और हिंदी के साथ क्या है, कंप्यूटर है, क्या है, हिंदी के साथ कंप्यूटर है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे, और ये टोटल जो होगा वो कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। अभी आप बोलोगे कि सर 25 25 नहीं 20 20 है, तो मैं फिर से बता दूं, आप एएसआई की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी नहीं कर रहे हो, और एएसआई में सबसे ज्यादा जरूरी आपको ये पता होना चाहिए प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। विज्ञप्ति में कहीं भी नहीं दिया है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किंतु पिछले वर्ष जब एनएससीआईटी ही करवाई थी तो इसका जो
तरीका था वो 25-25 प्रश्न का था, और फिर से 25-25 प्रश्न होंगे, मतलब टोटल 50 प्रश्न होंगे यहां एक सेक्शन में। ओवरऑल आपके 200 प्रश्न होंगे, 160 नहीं होंगे। तो एसआई और एएसआई एकदम अलग है, इस चीज को सबसे पहले दिमाग में आप रख के चलो। दूसरा जो आपका पार्ट है, दूसरा आपका जीए है और आपका क्या है करंट है, सामयिक विषय है, क्या है समसामयिक है, और ये भी आपके 25-25 क्वेश्चन ही होंगे, ये भी आपका 100 है। बाकी आपका क्या है आपका मेंटल एबिलिटी है ना, मेंटल एबिलिटी ये आपका एक पार्ट है, और तीसरे में आपका आता है मानसिक अभिरुचि, उसी में है रीजनिंग है, और आपका आईक्यू टेस्ट है। कौन कौन सा है आपका रीजनिंग है, आपका आईक्यू है, और आपका मानसिक अभिरुचि है ना, या मेंटल एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, मानसिक अभिरुचि है। तो ये चार सेगमेंट आपके हैं जिसमें प्रत्येक से 25-25 क्वेश्चन होंगे, और सभी का मार्क्स कितना होगा, ये 25 है ये 25 है, सारे मार्क्स कितने हैं 100-100 है, यानी एक जो क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं बता दूं सेक्शनल कट ऑफ है, और यह सारी बात रणनीति में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पे भी आपको कितना ओवरऑल लेके आना है, ओवरऑल आपको 35% यहां पे भी सेक्शनल कट ऑफ होना चाहिए, यहां पे भी आपका 35% सेक्शनल कट ऑफ, यहां पे भी 35% सेक्शनल कट ऑफ, और यहां पे भी 35% सेक्शनल कट ऑफ, और ओवरऑल 40% सेक्शनल कट ऑफ। अब हम शुरुआत करते हैं कि अगर यह हमारा पैटर्न है एग्जाम का, तो पहली बात तो डर इस बात का कि भैया 35% कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए डर नहीं करना है, क्योंकि जिस भी पार्ट में अगर टफ वाला पार्ट है तो उसके साथ एक आसान पार्ट है। जैसे कंप्यूटर अगर आपके लिए टफ है तो हिंदी आसान है और हिंदी से आप स्कोर कर सकते हो, तो सेक्शनल कट ऑफ तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट वाले में जनरल अवेयरनेस थोड़ा यहां पे पेचीदा पूछता है, लेकिन मैं अभी उसकी चर्चा भी करूंगा। करंट अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लोगे तो ये स्कोर आपका 35% ऊपर लेके चला जाएगा। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें या जनरल एबिलिटी की बात करें, तो इसमें मैथ्स के पोर्शन ज्यादा हैं, आपके 25 क्वेश्चन प्योर मैथ्स होंगे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के इसमें होंगे, इस वाले पोर्शन में मेंटल और रीजनिंग एबिलिटी दोनों एक साथ है। मैं बता दूं पूरे मैथ्स नहीं है, एसआई के पेपर में क्या होता है 40 क्वेश्चन मैथ्स के पोर्शन में मैथ्स ही रहता है, लेकिन नहीं यहां पे आपका क्या है मेंटल एबिलिटी, इसलिए मैं बोल रहा हूं सिलेबस की चर्चा करेंगे। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी है तो 25 रीजनिंग के होंगे, 25 मैथ के होंगे, तो रीजनिंग वाला जिसकी भी मैथ्स वीक होती है उसे सेफ जोन में लेके जाएगा, और यहां पे फिर से रीजनिंग आ जाएगा और आईक्यू टेस्ट आ जाएगा, तो मानसिक अभिरुचि से परेशान होने की जरूरत नहीं। हालांकि मानसिक अभिरुचि आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है, बच्चे गलत करते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि गलत कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका एक मोटा मोटा हिसाब है। दूसरी बात अगर हम सिलेबस की चर्चा करें तो एक एक का चर्चा करेंगे। सबसे पहले सामान्य हिंदी हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, सामान्य हिंदी वही जनरल हिंदी है। मैं यहां से आपको बस इतना सा बताऊंगा कि आपके हिंदी भाषा का पुरस्कार लेखन और साहित्य, इस पार्ट में साहित्य आपका और भाषा का, हाँ साहित्य ये आपका थोड़ा ज्यादा रोल प्ले करेगा, इसकी भी चर्चा भी हम बाद में करेंगे, अभी हिंदी को छोड़ते हैं। कंप्यूटर का पार्ट है, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, और ये एक ऐसा पोर्शन है जो वाकई में आपको घबराने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इसमें वो आसान कंप्यूटर नहीं पूछेगा, वो जनरल से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं पूछेगा, केवल एमएस ऑफिस के बारे में नहीं पूछेगा, यहां पे आपको नेटवर्किंग पूछेगा, प्रोटोकॉल पूछेगा, फ्लो चार्ट पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा, और भी वो तमाम चीजें ऐसी जो शायद आप ना पढ़े हो या ना देखे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये आपकी चिंता का विषय है। आपसे ओ लेवल का डॉक्यूमेंट मांगा है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा है, बहुत सारे बच्चे ओ लेवल किए होते हैं, लेकिन इसका ये एकदम मतलब नहीं होता है कि ओ लेवल जो किए हैं उनको कंप्यूटर की बहुत ज्यादा नॉलेज है। दूसरी बात मैं बता दूं कि इसमें फॉर्म भरने वाले जो ज्यादा बच्चे हैं वो कंप्यूटर बैकग्राउंड के ही है। कौन है? कंप्यूटर बैकग्राउंड के ही है, या तो वो एमसीए है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीसीए है, या फिर वो डिप्लोमा है कंप्यूटर में, कोई ऐसा कोर्स किए, या मे बी वो बीटेक वगैरह वाले हैं, ऐसे भी बच्चे आपको यहां पर मिलेंगे, तो वो कंप्यूटर से उनका नाता रहा है। तो जिनका नाता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नाता नहीं है उन्हें घबराने की बात है, लेकिन उसका तरीका मैं बताऊंगा, और जिनका नाता है उन्हें भी कहां से पढ़ना है ये भी बताऊंगा, कितना सटीक पढ़ना है, क्योंकि चीजें हम अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते हैं, और कंप्यूटर एक ऐसा विषय होता है जो शायद दुनिया में कोई नहीं जानता, और दुनिया ऐसा नहीं कि जानता नहीं है, लेकिन जिस
जिस माहौल में हम लोग पढ़े हैं, आप लोग जहां से पढ़ के आए हो उस माहौल में यह शब्द कहना कि कोई नहीं जानता एकदम गलत नहीं है। और जब आप ग्रेजुएशन के, तो आज से 5 साल पहले की बात है, आज 2021 में चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतना आगे है, आ गई है। 2011-12 में भैया जब आप इसमें 11-12 में कंप्यूटर पढ़े, या जब आपने ग्रेजुएशन किया 12-13 में, तो कंप्यूटर का इतना नॉलेज आपके माहौल या आपके टीचर को नहीं होता था जो आपको इतनी डिटेल में बता सके। तो यहां पे चिंतन का विषय है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें अगर आप देखोगे तो एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक विंडो, कंप्यूटर एप्लीकेशन और भी बहुत सारी चीजें, यही नहीं बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज, ये नेटवर्किंग से पूछेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी चीजें, वेब डिजाइनिंग, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ये और वेब ब्राउजर्स, आईटी टूल्स, ये सब चीजें क्या करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको एक अलग ही विषय बनाती हैं। अगर हम फिर से चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स फिर से मैं बोलूंगा भैया वो करंट अफेयर्स नहीं है जो आप अन्य एग्जाम के लिए पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ टॉपिक अलग से दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की, ये अगर हम पहले सामान्य जागरूकता वाली बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो बाकी तो अवेयरनेस वही है। मैं बोलूंगा कि जीएस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ओवरऑल इसे कंक्लूड करूंगा तो बात समझना, जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आंतरिक सुरक्षा, और ये टॉपिक आपका जीएस है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस आपका जीएस नहीं है यहां पे, ये बात समझना। अभी इस पे मैं विधिवत चर्चा करूंगा क्यों नहीं है। फिर अगर हम बात करें करंट अफेयर्स में, तो फिर से वही बात, करंट अफेयर्स की इसने टॉपिक मेंशन कर दिया, टॉपिक से हमें चलना है क्योंकि कौन करा रहा है, एनएसई आईटी करा रहा है। संख्यात्मक और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स सिमिलर है, रीजनिंग सिमिलर है, मानसिक अभिरुचि देखें तो वो भी आपको केवल टॉपिक पे लेके चलना है, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी हम आते हैं, अगर आप सिलेबस देखे होगे, नहीं भी देखे होगे तो एक बार सिलेबस विधिवत से देखना, क्योंकि NSEIT जो आपका पेपर बनाएगी वो हूबहू सिलेबस पे बनाएगी। फिर से समझना, आपका 4 सेगमेंट है, 4 सेगमेंट में प्रत्येक 2 सेगमेंट है, लेकिन इस वाले में 3 सेगमेंट है, ध्यान देना। तो टोटल आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेगमेंट है, और 9 सेगमेंट के सभी के सिलेबस हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन वही होगा जो सिलेबस में आपके डिफाइंड है। इसका कारण भी मैं आपको समझाता हूं, जब भी कोई नई एजेंसी आती है तो वो घबराती है चीजों से कि हम पेपर कहां से बनाए। टीसीएस कोई नई एजेंसी नहीं है, वो बहुत सालों से और बहुत विभागों के पेपर कराती आ रही है, बैंक से लेके एसएससी से लेके राज्य स्तरीय, बहुत सारे, यही नहीं उत्तर प्रदेश राज्य, 28 राज्य में बहुत सारे राज्य के बहुत सारे पेपर अकेले टीसीएस अपने दम पे कराती है। तो उसके पास क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा है, वो उन क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा के रखती है, न्यूली क्वेश्चन फ्रेम करती है। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसी एजेंसियां होती है जिनके पास एक्सपीरियंस मात्र 10-12 साल का होता है, और वह भी नाम का 10-12 साल अगर पेपर कंडक्ट कराने की बात करें तो इतना ज्यादा नहीं होता है जितना टीसीएस जैसे परीक्षा। हालांकि एनएससीआईटी आपकी छोटी एजेंसी नहीं है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसका डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि किसको काम कितना मिल रहा है और किसने उसके पीछे मेहनत कितना किया है। तो जब कोई नई एजेंसी होती है, पिछली बार भी यही कराई थी, तो वो क्या कराती है कि सिलेबस में जो जो टॉपिक लिखा होता है उससे प्रश्न बना देगा। यही कारण है, अगर आप पिछले साल के पेपर की प्रवृत्ति देखोगे तो उसमें आपको करंट अफेयर्स में क्या पुलिस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, आप करंट अफेयर्स में भी देखोगे तो आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ज्यादा पूछेगा। क्यों? क्योंकि भैया वो करंट अफेयर्स में कौन सी टॉपिक दे दिया है, आप यहां पे देखो, इसलिए मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं। कंप्यूटर में करंट अफेयर्स में क्या दे दिया है, करंट अफेयर्स में आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट। इस कारण मैं बोल रहा हूं कि आपको सिलेबस देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पे वो साइबर क्राइम से क्वेश्चन उठा के देगा, है ना। कंप्यूटर की बात करें, सॉरी करंट अफेयर्स की बात करें, तो करंट अफेयर्स में साइबर क्राइम से क्वेश्चन उठा के देगा, और हर बार बनता है फिर से बनेगा। आपका ह्यूमन राइट से, मानवाधिकार से बनेगा, क्योंकि उसने टॉपिक मेंशन कर दिया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जानना कि हमारा स्कोप क्या है, हमारा रेंज क्या है पढ़ने का। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं केवल एएसआई का फॉर्म भर रहे हैं और तैयारी कर रहे, जो किताब मिल रही पढ़ते चले जा रहे। मेरे भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा,
ये सर्वप्रथम तो मैं बता दूं आप उस राज्य में हो और ये वो वैकेंसी है जो ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई सौतेली वैकेंसी है जिसका किसी से संबंध नहीं है, ना ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इस पे ध्यान दे रहे हैं और ध्यान दे ही नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट नॉलेज पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या है। और बच्चे भी वो जैसा बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे करीबन 500 कॉल मेरे पास आई, सर यहाँ पे मैं बोला था यहाँ पे मैं एसआई का कोर्स लिया हूँ और वो बोल रहे हैं कि एसआई वाला ही तो एसआई में आएगा। ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको जो हम लोग क्या कराते हैं, जूम मीटिंग कराते हैं बच्चों का हर संडे संडे को, उसकी वीडियो भी चैनल पे मैं जल्दी अपलोड करूंगा। फिर आप बच्चों का सेटिस्फेक्शन देखना, उनके जवाब देखना कि वो ऐसा लग रहा है कि अंधेरे से उजाले में आ गए। क्यों? क्योंकि कोई बता ही नहीं रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और यकीनन मैं भी थोड़ा आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये वीडियो मैं बहुत लेट में कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, बहुत समय है, अभी भी आप संभल जाइए। मुश्किल से 2 से 3 महीने का सिलेबस अच्छे से है, आप उसे कवर कर लोगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक रणनीति से पढ़ोगे तो सिलेक्शन कोई आपका रोक नहीं सकता, वरना फिर तमाम बच्चों की तरह कि सर मेरा 2 नंबर रह गया, मेरा 3 नंबर से रह गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कारण क्या है? 2-3 नंबर से यहाँ पे दो पोर्शन ऐसे हैं, जब आप तीसरा और चौथा सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे मैथ्स प्लस रीजनिंग, क्या मैथ्स प्लस रीजनिंग, और यहाँ पे आईक्यू हो गया आपका, इसी में रीजनिंग हो गया, इसी में कुछ क्वेश्चन आपके मैथ्स के मिल जाएंगे, और मेंटल एबिलिटी, क्या मेंटल एप्टीट्यूड। ये पोर्शन में सभी लोग कॉमन करेंगे अगर इस वाले पोर्शन की बात ना किया जाए तो। मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक अभिरुचि को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, तो इस पोर्शन को छोड़ के सभी क्या करेंगे, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सभी लोग बराबर करेंगे, इसमें वही एसआई वाले ही करेंगे। अच्छा एक बात की मैं यहां पे जिक्र और करूंगा, एक बात का जिक्र करूंगा कंपटीशन लेवल का, कंपटीशन लेवल की बात करूंगा। भाई साहब आपके पास 1329 टोटल पद हैं, वो भी फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड है कहने का मतलब जिसके पास ओ लेवल या उसके समकक्ष होगा वही भर पाएगा, जिसके पास टाइपिंग होगा वही भरेगा, जिसके पास जिसे स्टेनो आएगा वही भरेगा। लेकिन क्या इन दोनों पॉइंट में उतनी ग्रेविटी है मैं जो बोल रहा हूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसको टाइपिंग आ रही है वही भरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है जिसको स्टेनो आ रही है वही भरेगा। ये बात अलग है, जिसको टाइपिंग आ रही है, स्टेनो आ रही है, ओ लेवल तीनों है, वो तैयारी बहुत विधिवत तरीके से करेगा, और जिसको टाइपिंग और स्टेनो नहीं आ रही है वो नहीं करेगा। वो क्या दिमाग में रखेगा, अगर निकल गया तो बाद में हम टाइपिंग भी सीख लेंगे, स्टेनो भी सीख लेंगे, मे बी समय मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं भैया, कंपटीशन लेवल यहां पे भी कम नहीं है। आप देख लेना, कम से कम 6 से 7 लाख, 5 से 7 लाख के बीच में आपका फॉर्म फिल होगा इसमें, और ये कम संख्या नहीं होती है जब इतने फिल्टर लगे हो, याद रखना, और उसके बाद इतना आपका ऐसा सिलेबस हो तो कॉम्पिटिशन लेवल है। उसके बाद मैं क्यों बोला कि ये दोनों पोर्शन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों पोर्शन सभी के लिए बराबर क्यों है? क्योंकि सपोज करो कि कोई बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा है, अगर आप एसआई और एएसआई दोनों वैकेंसियां पैरेलल साथ में चल रही हैं, एसआई के फॉर्म फिल हो गए लगभग, है ना, बच्चे भर दिए, एएसआई भी आ गया, कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया, तो बच्चे वो भी भर रहे हैं। अब जो एसआई वाला बच्चा है, भले उसके पास ओ लेवल है, लेकिन ये नहीं है टाइपिंग स्टूडेंट, वो भी फॉर्म भरेगा और फॉर्म भर लेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा तो एडमिट कार्ड भी जनरेट होगा, पेपर भी देगा। अब आप सोचो कि जो आपका वो होना चाहिए मेन कंपटीशन 3.5 से 4 लाख लड़कों के बीच में होना चाहिए, वो कंपटीशन 7 लाख के पास में गया, मतलब दुगना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया। और एसआई वाला जो टॉपर बच्चा है, जो मैथ और रीजनिंग पोर्शन को अच्छा करेगा, हिंदी उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करंट अफेयर्स वो पढ़ रहा है, तो लगभग 70% तो आपसे वहां पर क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वहां के टॉपर्स यहां के सीट मिलेंगे, टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे, स्टेनो नहीं सीख पाएंगे, और क्या करेंगे, सीटें वैकेंट छोड़ देंगे। तो फिर ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि जिनके पास ये तीनों है और जिनका ड्रीम जॉब है, ड्रीम जॉब है क्या आपका एएसआई, उनके लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए और आपके पास रणनीति बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो रणनीति की बात करें तो रणनीति में 3-4 फेज आती है, मेन सारी बातें रणनीति की कर रहे हैं, लेकिन 3-4 मेन पॉइंट आता है वो ये आता है, सबसे पहली बात कि आपके पास कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट से भी पहले ये होना चाहिए व्हाट टू रीड, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा सबसे पहले क्या देखो, सिलेबस देखो। यहां पे मैं आपको अगर नोट में बोलूं कि आपको करना क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग, 4 सेक्शन आपके हैं, सारे सिलेबस में एनएससीईआरटी करा रही है, तो वही टॉपिक से प्रश्न आएंगे जो उसने मेंशन कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल दे रहा हूं सत्य हो जाए, 100% से हो जाए, भाई गलत तो किसी की भी जुबान हो सकती है, लेकिन 99.99% जो चांसेस होते हैं, मैं क्या बता सकता हूं, चांस बता सकता हूं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, तो अगर चांसेस देखा जाए तो 99.99% मतलब 0.01% उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आपका केवल और केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होने वाला है। दूसरी बात,
व्हाट टू रीड में सिलेबस पढ़ना है, लेकिन ये सिलेबस पढ़ना कहाँ से है, व्हेयर टू रीड में करना है। तो इसके लिए मैं बता दूं भैया कि आप अगर इंटरनेट के सहारे बैठे हो में, अगर आप इसमें बैठे हो कि किताबें मिल जाएंगी, तो नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना मैं आपको एश्योर करा सकता हूं कि बहुत मिनिमम फीस में 999 के कोर्स को मैं 5599 में करके ये पूरा टीम परीक्षा प्लस बहुत ही विधिवत आपकी प्रिपरेशन करवा रही है। तो ये भी स्वैच्छिक है आपसे, आप चाहो तो अपना भला सोच सकते हो, आप चाहो तो अपना भला ना सोचो, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन वो चाहे आप कंप्यूटर की बात करो, आशीष सर के द्वारा खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, या फिर आप रमन सर की मानसिक अभिरुचि उठा लो, आपने देखा ही होगा, नहीं देखे होगे तो जाके चैनल पे जाओ देखो, या फिर आप मैथ्स का कंटेंट मेरे द्वारा ही देख लो जो मैं पढ़ा रहा हूं चीजों को, या आप रीजनिंग देख लो, या कोई भी विषय वस्तु देख लो, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली हमारी तैयारी कहां पे जानी है। ये हम कोर्स के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, वेयर टू रीड में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा हम एक जरूरी बात की ये कर लेते हैं कि सिलेबस हमारे पास चार पोर्शन है, चार पोर्शन सिलेबस है, किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर 35% सेक्शनल कट ऑफ है तो क्या रहेगा सेफ स्कोर, कितना हम लोग यहां पे स्कोर कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, मेरिट में आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो पद हैं आपके 1329 है, कम भी नहीं होते, बहुत ज्यादा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका एसआई सिविल की तरह 9500 पद है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, 1329 पद है ना, 1500 से भी कम ही पद है, बहुत ज्यादा पद नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। वहां पे आपके 12 लाख 10 लाख में कॉम्पिटिशन होगा, यहाँ पे आपका 5 लाख में कॉम्पिटिशन होगा, ये बात भी समझो। दूसरी बात, यहाँ पे वैसे ही फिल्टर और हो जाते हैं, तो मे भी अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 4 लाख में हो जाएगा, 1/3 कंपटीशन हो जाएगा। सेफ स्कोर की बात करें भैया तो 400 अंक का ये भी है, लेकिन इसके बारे में अभी चर्चा करना उतनी ही बेवकूफी होगी जितनी कि ये बताना कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। तो यहां पे बस इतना मैं बोलूंगा, सेफ स्कोर मतलब आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करना है। लेकिन ये मैक्सिमम स्कोर होगा कैसे, उसके लिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर वाइज रणनीति पे, सब्जेक्ट वाइज रणनीति पे। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन है वो क्या है, हिंदी, हिंदी है और प्लस कंप्यूटर है। अभी आप विद्वत देखते चलो, आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं इस वीडियो को इसलिए लंबा कर रहा हूं क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी कहीं मिल नहीं पा रही है। भाई हिंदी एक ऐसा विषय है, हिंदी एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी शुरुआत की हो तो हिंदी को मत पढ़ो, अभी एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं समय पे बताऊंगा कि कब आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत है, जब आपका पेपर की डेट आ जाएगी और एग्जाम से 15 दिन पहले हिंदी की जरूरत है। अगर फिर भी मन में बहुत उछाल मार रहा हो चीजें कि नहीं मुझे हिंदी पढ़ना ही है, बहुत जब लग रहा हो, जिद बचा लिए हो, तो बहुत कुछ पढ़ना, तो इसका साहित्य पढ़ लेना है ना, जो या उसका जो भाषा वाले टॉपिक सिलेबस में दिया है, भाषा का इतिहास कहां से आया, खड़ी बोली ये कहां से आया, ये सारी चीजें आप हिंदी में पढ़ लेना, इससे ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल हिंदी आती है, आप कुछ नहीं पढ़ के जाओगे, भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, पहली बात तो हम भारत में पैदा हुए हैं, दूसरी बात हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, तीसरी बात जब से पैदा हुए तब से हिंदी सुन रहे हैं, तो हिंदी में कभी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता। अब दादा परदादा अनपढ़ हुआ करते थे, लेकिन उन्हें अगर कोई भूतकाल की बात कहनी होती थी तो वो बढ़िया होगा होगी करते थे, था नहीं लगाते थे, भले ही वो अनपढ़ थे, तो कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी किताब जो होती है, भाषा जो होती है, वो सुनने से और बोलने से आती है, पढ़ने से नहीं आती है। और आपने पर्याप्त बोल भी लिया, सुन लिया है, तो हिंदी अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे, किताब देख के भी नहीं जाओगे, तो 25 क्वेश्चन में कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन सही करोगे, एकदम देख के नहीं जाओगे। और बहुत पढ़ लोगे एकदम, मैं कह रहा हूं आज से जिस दिन से फॉर्म भर दो और जिस दिन पेपर हो जाए केवल और केवल हिंदी पढ़ो, पूरा फिलोसफी उसका पढ़ डालो, पूरा पीएचडी कर डालो, तो 25 में 25 से ज्यादा तो पाओगे नहीं, कि पा जाओगे 25 से 26 कि कोई बोलेगा भैया पीएचडी करके आए हो आपको गोल्ड मेडल दे दिया जाए, नहीं मिलेगा आपको, इसी के सीमित पाओगे, फिर भी नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा पाओगे 24 से 25 अंक ही पाओगे। तो ये समझना है कि जिसमें फ्री के अंक मिल रहे हैं उसके पीछे हम समय क्यों बर्बाद करें, हम अपनी मेहनत बर्बाद क्यों करें, वो मेहनत आपको कहां लगानी है जो आपके साथ यहां पे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर पढ़ना है और मैक्सिमम समय आपको कंप्यूटर देना है। कहां से पढ़ना है, अभी तो ये पूरा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और मैं आपको बहुत ही जरूरी ये बोलूंगा कि आप कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हो, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार आशीष सर से कंसर्न करके
ये सीएस वाला ये पूरा जो पार्ट है आपका कंप्यूटर का जरूर पढ़ना। अगर नहीं पढ़े तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि वाकई में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कुछ अधूरा रह गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ना वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लड़के भी उनसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। और अगर एक फिल्टर चीज में आप पढ़ के निकाल सकते हो, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, तो फिर आखिर क्यों नहीं, है ना। तो कंप्यूटर बहुत विद्वत पढ़ा रहे हैं आपको, पूरा नोट्स प्रॉपर केवल एएसआई पे बेस्ड जो टीम ने बनाया है उसे फॉलो करिए। दुनिया भर में आप पता चले प्रोग्रामिंग पढ़ना है लेटेस्ट सी ले आए, है ना, आपको कुछ एप्लीकेशन पढ़ना है फॉरेन फॉरेन राइटर की किताब उठा ले, कुछ नहीं होने वाला भाई, फिल्टर्ड पढ़ो। कभी भी आप नोट्स, जो नोट्स आप लोग बोलते रहते हो ना, नोट्स क्या होने चाहिए, नोट्स कंसाइज होने चाहिए। एक शब्द होता है कंसाइज, कंसाइज कहने का मतलब कि वो नोट्स बेहतर होते हैं जो 50 पन्ना पढ़ो और 50 पन्ने में आपके सारे प्रश्न आ जाए। आप 2000 पन्ना पढ़ डालो और आए 4 प्रश्न, वो नोट्स अच्छे नहीं होते। नोट्स फिल्टर्ड हाई क्वालिटी होने चाहिए जिसमें गलतियां कम होनी चाहिए और आपका ऐसा समझाया हो कि आप एक बार में पढ़ के सारी चीजें उसे कंप्रेहेंड कर लो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कंप्यूटर के लिए भैया तो टीम परीक्षा प्लस से अच्छा कुछ नहीं है, इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कहीं आपको मिलेगा नहीं, आप भटकोगे लौट के यहीं आओगे, वो बात अलग है, है ना। तो आपको मैक्सिमम टाइम भी यहां पे देना है, इसके लिए नोट्स प्लस क्लासेस, क्लासेस जरूर, और जो लास्ट में टेस्ट दिए जाएंगे उसे आपको जरूर करना है। सेक्शनल टेस्ट कराए जा रहे हैं कंप्यूटर के, बहुत ढेर सारे आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, तो आपको प्रॉपर बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ये हमारा पहला रहा, ठीक है ना, इसमें हिंदी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। दूसरे की बात करते हैं हम लोग, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो जीके जनरल अवेयरनेस बोले, है ना, जीए बोले, और क्या बोले, करंट बोले। तो मैं बता दूं भैया, जनरल अवेयरनेस जब जीएस की बात आती है, जीए और जीएस में अंतर होता है। यहां पे हिस्ट्री भले ही बोला है, यहां पे आपकी ज्योग्राफी भले ही बोला है, पॉलिटी भले ही बोला है, यहां पे आपको इकोनॉमिक्स भी बोला है, यहां पे आपके अन्य भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, लाइक साइंस भी बोला है, लेकिन इन सारे पोर्शन को आपको नहीं पढ़ना है, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर इसके लिए बहुत चिंता हो तो एक रामबाण नाम की टीम परीक्षा प्लस की ही बुकलेट है, आप केवल उसे ले लेना, 100 पेज का है, केवल उसे पढ़ लेना, और एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो बोलना, जो बोलोगे वो कर दूंगा, सब कुछ वही। अभी मैं कारण क्या बताता हूं भाई, इतने टॉपिक वो मेंशन कर दिया है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है ना, और उसे पूछना कहां से है, उसे साइबर क्राइम से पूछना है, उसे क्या पूछना है, उसे पुलिस विभाग से क्वेश्चन पूछना है। उसने कुछ टॉपिक तो जैसे जो पिछला सिलेबस था भाई, इतने आलसी है, मैं आपको बता दूं कि सिलेबस तक चेंज नहीं किए हैं, है ना। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, वो सिलेबस पिछले वाले में बना था, सेम आप उठाओगे तो डीमोनेटाइजेशन इस बार पूछ रहा है। रियो ओलंपिक पूछने की बात कर रहा है, अरे जब रियो ओलंपिक हो ही नहीं रहा है, अब हो चुका तो आप उसको प्रश्न कैसे पूछोगे, लेकिन करंट अफेयर्स में उन्हें पूछना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि उन्हें बदलना नहीं है। तो आपकी ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि सिलेबस में क्या है और पूछेगा, और वो कौन सी एजेंसी, एनएससीआईटी है, उसे क्या मतलब कि आयोग ने क्या सिलेबस दिया है, वो तो एंड टू एंड आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब भैया तुम पेपर कराओ, हम किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे, तुम ही पेपर बनाओ, तुम ही बच्चे को बुलाओ, तुम ही कंप्यूटर प्रोवाइड करो, तुम ही ऑनलाइन टेस्ट लो, तुम ही कॉपी चेक करो, तुम ही फिजिकल कराओ उनका, तुम ही उनका कंप्यूटर कराओ टेस्ट टाइपिंग, उन्हीं तुम ही स्टेनो कराओ, तुम ही मेरिट लिस्ट बनाओ, तुम ही सिलेक्शन दे दो, सैलरी भैया हम विभाग से दिलवा देंगे बस। तो एंड टू एंड में क्या होता है, यही होता है। तो ये लोग सस्ते में एंड टू एंड ही चाह रहे थे, इस कारण से एनएससीआईटी मिला है। हां तो इनसे मतलब नहीं है, अभी इनसे जरूरत क्या है। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो हिस्ट्री में अगर वो बोला है, एक हिस्ट्री लिखा है, एक बोला है मॉडर्न हिस्ट्री की अलग बात करते हैं। सारे में सिलेबस होता है, हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक जनरल हिस्ट्री और एक क्या होता है, स्वतंत्रता संग्राम की हिस्ट्री होती है, ठीक है ना। तो अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो वहां से पक्का पक्का 1857 की क्रांति से प्रश्न बनेगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। अभी अब हम किसकी मिडिवल की बात करें तो मुगल से क्वेश्चन बनेगा, अगर हम एंशियंट की बात करें तो गुप्त और मौर्य से बनेगा, नहीं बनेगा, बस हिस्ट्री में यही। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा परेशानी होने, ज्योग्राफी से पूछना है तो बस इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप पढ़ लो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लो, भाग पढ़ लो, अनुसूची पढ़ लो, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। इकोनॉमिक्स करंट इकोनॉमिक्स रहेगी, साइंस में पिछली बार 25 में केवल एक प्रश्न पूछा, वो भी एसआई यूनिट पूछा, आप पूरा पोथा पढ़ जाओ और पूछे एसआई यूनिट, कितना दुख होगा। इस कारण से बोल रहा हूं कि ये नहीं छूना है। क्या पढ़ना है, जो नए टॉपिक दिया हुआ है, जो अलग से आपका सिलेबस में स्पेसिफाई है, वो पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरी बात करंट है, तो करंट में भी उसका कुछ पॉइंट है, जैसे स्पोर्ट्स वो अलग से लिख दिया है, पढ़ना ही पढ़ना है, पूछेगा बुक्स एंड ऑथर्स ये पढ़ना है। तो करंट के लिए बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, करंट आप
पढ़ते चलो, जो पाओ वो पढ़ते चलो, करंट करंट होता है, बस जो सिलेबस में टॉपिक है उसे जरूर पढ़ लो, इतना मैं बोलूंगा, ठीक है ना। ये हमारी जीएस की स्ट्रेटेजी रही। क्या जीएस में कन्वेंशनल पारंपरिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है वो मैं बताऊंगा, टीम में बताया जाएगा, कोर्स में बताया जाएगा, यहां पे है ना, जो आपका इतना बस समझो जो सिलेबस में लिखा है वो पढ़ना है, कहां से पढ़ना है वो सारा आपको कोर्स में बताया जाएगा। करंट में करंट आप पढ़ते चलो, पतली वाली मंथली क्रॉनिकल की मैगजीन आती है, क्रॉनिकल की पतली मैगजीन आती है, 30 रुपए की आती है, ठीक है ना, हर महीने वाइज आप पढ़ते चले जाओगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा। करंट के लिए आप भटकते रहते हो दुनिया भर का, आप लोग यूट्यूब पे चैनल देखते हो, कभी इनकी क्लास देखते हो, कभी उनकी क्लास करते हो, 3 घंटे 4 घंटे बर्बाद करते हो, उसमें से पता लगे पूछेगा भी नहीं वो करंट कौन सी है, ये करंट कौन सी है, परेशान मत होना। इसलिए बोल रहा हूं केवल अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक महीने में मुश्किल से 30 रुपए खर्च करना है, वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है ना। क्रॉनिकल मैगजीन से हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, वो मंथली आपकी आती है, पतली वाली आती है, केवल उसे फॉलो करना है, बाकी आपको टीम तो करंट की वहां पे सामग्री प्रोवाइड करेगी ही कोर्स में। तीसरे पे चर्चा करते हैं, अगर तीसरी जल्दी से चर्चा करें तो तीसरा आपका भैया मैथ्स है, मैथ्स और रीजनिंग है, इसमें पूरा सिलेबस एसआई वाला है, ये क्योंकि जनरल सब्जेक्ट है इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपको सब पढ़ना है, मैथ्स में हर लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, तो मैथ्स के लिए कुछ स्पेसिफाइड ऐसा नहीं है कि ये पढ़ लो ये छोड़ दो, नहीं, सब पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक ऐसे रीजनिंग में भी है, ओवरऑल देखा जाए तो आपके 100 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग आईक्यू और मेंटल एबिलिटी से होगा, मानसिक अभिरुचि से, जिसमें से 30 से 33 क्वेश्चन आपका केवल क्या होगा, 100 में आपका करीबन लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, मैथ्स के होंगे ओवरऑल। ऐसे ही आपके जो मानसिक अभिरुचि होगी, मानसिक अभिरुचि की जो होगा वो 15 से 17 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन दे देंगे, बचा कितना आपके पास 30 20 50 अगर ले लो तो बाकी जो 50 है उसमें आपके रीजनिंग वाले पोर्शन होंगे, आईक्यू होगा, रीजनिंग होगा, वर्बल एबिलिटी होगा, लॉजिकल डायग्राम होंगे, ये सारी चीजें आपकी क्या होगी। तो यहां पे भी वेटेज किसका ज्यादा है, रीजनिंग का ज्यादा है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं पुट करना है, अभी आप रीजनिंग ज्यादा मत पढ़ो, रीजनिंग में जो सेक्शनल टेस्ट है उसे लगाओ जो टीम द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, या कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लो उससे आप पढ़ते चलो, बस उससे ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, बहुत रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा गेन किया जा सकता है, बस आपका दिमाग की स्थिति ठीक हो। पढ़ना यहां पे क्या है, तीसरे सेक्शन में, तीसरे सेक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना है मैथ्स में, और यहाँ पे समय देना है, अगर आप 4 पोर्शन को डिवाइड कर रहे हो और 4 घंटा पढ़ रहे हो, 1-1 घंटा सबको दे रहे हो, पहली बात तो 1-1 घंटा नहीं, समय के हिसाब से देना है, वो मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा टाइम टेबल पे, लेकिन अभी आपको मैथ्स पढ़ते चलना है, रीजनिंग को थोड़ा कम पढ़ना है। चौथे पोर्शन में एक आपकी मानसिक अभिरुचि है, इसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा भैया परेशान नहीं होना है, इसके लिए बस आप इतना परेशान हो कि जो आपको रमन सर क्लासेस दे रहे हैं मानसिक अभिरुचि के लिए, जो रमन सर के द्वारा क्लासेस दी गई है, नोट्स हैं जो परीक्षा प्लस के मोर देन सफिशियंट है, गारंटीड के साथ इसमें 100% क्वेश्चन सही हो जाएंगे, केवल आप इतना कर लोगे तो। बात समझ में आ रही है, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल मैंने ये 4 पोर्शन को बता दिया है कि कैसे आपको करना है, कहां से आपको करना है, ये भी आप देखते चलो। मैं बता दूं 599 का जो अभी हम लोग का कोर्स है, इसमें आपका जो सबसे ज्यादा पूछेगा, सबसे सॉरी 599 में आपको लाइव क्लासेस सारे मिल रहे हैं ना, लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, और यही नहीं, मैं थोड़ा दूसरे पेज पे कर ले रहा हूँ, ये थोड़ा हैंग कर रहा है, हाँ, इसमें आपको 599 में क्या मिलेगा, सारी की सारी लाइव क्लासेस मिल रही हैं, और सभी विषय के नोट्स, वो चाहे क्या हो, वो चाहे कंप्यूटर के हो, वो चाहे आपकी मानसिक अभिरुचि हो, या फिर आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सेट हो, है ना, या फिर आपका क्या हो, रीजनिंग हो, या फिर आपकी हिंदी हो, या जो भी आपका सिलेबस में है, करंट हो, सब कुछ A to Z दिया जा रहा है, और यही नहीं, आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट दिया जा रहा है, ये आपका केवल 599 का है, 999 है, अगर आप इसे इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो, कहीं आपको वैसे भी कंटेंट मिलेगा नहीं, और बहुत बेहतरीन कंटेंट परीक्षा प्लस दे रही है, आप जाओ इसके डेमो वगैरह लगे हैं, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसे जाओ पैसा फूंक दो, वैसे भी 599 बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन पैसा सबका ज्यादा होता है, मैं नहीं बोलूंगा कि परचेज कर लो, जाओ पहले ऐप पे जाओ, परीक्षा प्लस करना कहां पे है, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो, कौन सा, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो, और वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डेमो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर हम बोले ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें भैया,
तो कॉन्क्लूजन में मैं बार बार यही बोलूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि एजेंसी कौन करा रही है, एनएससीआईटी करा रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पूछेगा। चार पोर्शन में टोटल 9 सेगमेंट है। 9 सेगमेंट में जो सबसे ज्यादा अभी समय देना है, कंप्यूटर पे समय देना है आपको, मैथ्स पे समय देना है आपको, करंट पे समय देना है ना, जीएस पे नहीं, करंट पे केवल समय देना है आपको, रीजनिंग पे समय देना है और मानसिक अभिरुचि पे समय देना है। अभी के लिए फिलहाल इतना, बाकी ऐसे हैं विषय जो आप अंतिम के 20 से 30 दिन में पढ़ लोगे। रेस्ट जो रेस्ट है वो 20 के 30 दिन में आप पढ़ लोगे तो आपका आ जाएगा, लेकिन अभी ये आपको जीरो से लेके और एंड तक पढ़ने की जरूरत है इन विषयों की। कहां से पढ़ना है, परीक्षा प्लस सब कुछ A to Z आपको सॉल्यूशन दे रहा है, तो वहां से आप इस चीज को कर सकते हो। दूसरी बात सेक्शनल कट ऑफ की और ओवरऑल कट ऑफ की, तो उसकी चिंता नहीं है क्योंकि यहां पे हमें सिलेक्शन लेना है, तो सेक्शनल कट ऑफ पे अगर सोचोगे तब तो भैया सिलेक्शन ले चुके हैं। 35% अगर 50 में से 35% निकाला जाए, कहने को 35% मैं समझा रहा हूं, थोड़ी सी बात, क्वेश्चन आएंगे 50, बोल रहा है सेक्शनल कट ऑफ कितना है 35%, अरे 50 क्वेश्चन का 35% निकालेंगे तो 17.5 क्वेश्चन आएगा। 17.5 क्वेश्चन कोई सही या गलत कर सकता है क्या? नहीं, जब निगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन मतलब हो गया ये 36%, कितना हो गया 36%। तो सेक्शनल कट ऑफ 35% नहीं है, कायदे से 36% है, जो आयोग भी नहीं समझ पाया मैं बोल क्या रहा हूं। और ओवरऑल 40% है, मतलब आपका 400 अंक है, 400 आपके मार्क्स हैं, इसका 40% मतलब 160 नंबर आपको क्या लाना है, आपको यहां पे 160 नंबर लेके आना है। तो 160 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप अभी सोच रहे हो तो 300 के अबाउट सोचो, 300 के प्लस सोचो, आउट ऑफ 400 में। इससे नीचे सोचोगे ना बेटा तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, फिर फॉर्म फालतू में भर लो, मेरा सुझाव है फॉर्म भी मत भरना, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये रणनीति अपनानी पड़ेगी, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होगा, आपको टीम के अकॉर्डिंग चलना होगा, आपको वो विषय ज्यादा पढ़ना होगा जहां पे दिक्कतें हैं और जहां पे स्कोर ज्यादा है। जैसे एक बात मैं चर्चा करूं, अभी हम बात करें स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सी है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट में हिंदी है आपकी, हिंदी आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें मेहनत क्या है, अगर हम एफर्ट की बात करें, ये चार्ट आप देख लो लास्ट में कंक्लूजन में, एफर्ट इसमें क्या है, इसमें एफर्ट समझ लो कि लीस्ट है, सबसे कम एफर्ट लगेगा इसमें। मैथ्स में इसमें एफर्ट मॉडरेट क्या, इसमें एफर्ट मैक्सिमम ले लो, है ना, मॉडरेट टू मैक्सिमम ले लो एफर्ट की बात करें तो। रीजनिंग में मॉडरेट ही ले लो, है ना, इजी टू मॉडरेट इसमें एफर्ट है। करंट अफेयर्स में अच्छा एक क्या है, हाँ, इसमें अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो ये भी इजी टू मॉडरेट ही एफर्ट है आपकी। अभी हम बात करें, हाँ, अभी दोबारा क्या बात करें, दोबारा बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट की जो क्या है, स्कोरिंग नहीं है लेकिन नेसेसरी है, है ना। अब वो स्कोरिंग तभी होंगे जब आप बहुत पढ़ोगे, तो नेसेसरी में आपका क्या है, कंप्यूटर है, और क्या है आपका, मानसिक अभिरुचि है, और क्या है आपका, आईक्यू है, है ना, आईक्यू तो जनरल सी बात है। तो ये कुछ पोर्शन, और आपका क्या है, जीएस है, और आपका क्या है, बस इतने पोर्शन को डिस्कस करते हैं। 1, 2, 3, 4 इधर कर लिए, 1, 3, 4 इधर कर लिया, है ना, बाकी हम बात करेंगे किसमें है। तो कंप्यूटर में भैया अगर एफर्ट की बात करें तो हाईएस्ट एफर्ट आपको पुट करना है, लेकिन अगर हाईएस्ट एफर्ट पुट कर लिए तो ये कन्वर्ट कर देगा, स्कोर भी अच्छा दे देगा। मानसिक अभिरुचि में हाईएस्ट एफर्ट तो नहीं पुट करना है, इसमें मॉडरेट एफर्ट पुट करना है, मॉडरेट एफर्ट पुट करना है, और इसमें मार्क्स भी मॉडरेट ही आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, सही हो गया तो सही हो गया वरना कुछ नहीं। अगर हम जीएस की बात करें तो यहां पे एफर्ट आपको लगेगा तो हाईएस्ट, लेकिन इसे आप नकारते चलो और इसका स्कोर फिर भी हो जाएगा, ये मैं तरीका आपको बताऊंगा, जीएस के बाद हम लोग क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये एक सैंपल चार्ट है जो मैं आपको यहां पे बताने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद है इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये अंतिम नहीं है, हम लोग कोर्स में जब आप बच्चे जुड़ जाते हैं तो हर संडे संडे को वहां पर विषयवार रणनीति, सब्जेक्ट वाइज लिखनी, एक ही चीज में हर सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, घंटों लग जाएंगे, बहुत बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। बस आपको मैं इतना समझाना चाह रहा हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और क्या ऑप्टिमम है उसके हिसाब से चलोगे तो आप एकदम सफल हो जाओगे, और उम्मीद है कि आप जरूर सफल होगे, मेहनत करोगे तो, और मेहनत करिए, टीम के साथ भी जुड़िए। मैं तो ये बोलूंगा 599 कोई बहुत बड़ा रुपए नहीं होता है, है ना, अभी ऑफर चल रहा है, कल को ये 999 हो जाएगा तो फिर आपको महंगा पड़ेगा, तो आप जुड़ जाओ। अगर आपको थोड़ा सा एफर्ट में, अगर आपके चांसेस सिलेक्शन के, बार बार फिर पता नहीं कब वैकेंसी है, कितने साल बाद आ रही है, तो रिस्क मत लो और सेलेक्ट हो, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। चलिए फिर मिलेंगे क्लास में, मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।